दोस्तों नमस्कार, मैं करसनपुरी गोस्वामी। दोस्तों, धनोरी बिजली घर पर भारी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों के कहने पर जब हम धनोरी बिजली घर रात 9 बजे पहुंचे तो हमने पाया कि वहां पर गुप्त अंधेरा छा हुआ है। वहां पर तैनात SSO अंधेरे में ही फीडरों का संचालन कर रहा है। कल्पना कीजिए, अगर किसी भी तरीके से SSO को करंट लग जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कोई वैकल्पिक लाइट की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, जबकि रात भर ये कार्य उसको बादस्तूर करना पड़ता है। वहीं जो बिजली घर पर लाइनमैन रखे गए हैं, जो ठेकेदार अंडर टैगिंग काम कर रहे हैं, उनका भी आरोप है कि इन्हें ना तो कोई सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। रात भर जाकर उन्हें खेतों के अंदर तारों को जोड़ना पड़ता है। उनका अधिकतर गुलदार या सांपों से उनका सामना होता है। उनका आरोप है कि ना तो उनका कोई बीमा कराया गया है और तनख्वाही भी उन्हें 3 से 4 माह बाद मिलती है। उनका आरोप है कि उन्होंने कई मरतबा बिजली विभाग के आला अधिकारियों से मांग की है कि उनका बीमा कराया जाए, मगर बीमे की कोई भी सुविधा उनको नहीं मिल रही विभाग की ओर से। उनके साथ कभी भी आकस्मिक घटना घटित हो सकती है। अंदाज लगाइए आप, जिस परिवार के एक लड़के को करंट लग जाए और वो भगवान ना करे मौत के काल में समा जाए तो उस परिवार का क्या हाल होगा। दैनिक रुड़की के लिए करसनपुरी गोस्वामी, धनोरी। आप किस पोस्ट पे हैं सर? मैं जी धनोरी बिजली घर। ठीक सर, जैसा ये आपके ऑनलाइन में जो ठेके पड़ता पे काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ना तो उनके बीमे हैं और ना उन्हें कोई मतलब इस तरह का पहचान पत्र वगैरह इशू करा गया है जिससे कि वो जाकर बता सके क्षेत्र में कि मैं इस पर लाइन मैन के पद पर काम कर रहा हूँ। और उनका ये भी कहना है कि जो हमारा पे करता है ठेकेदार, वो 3 से 4 महीने लगते हैं। विभाग के द्वारा इनकी MB की जाती है। MB करने के बाद में इनको पेमेंट होता है, क्योंकि पास होने में टाइम लग जाता है और जनरली इनको 3-4 महीने हर बार नहीं लगते, लेकिन इस बार थोड़ा टेंडर प्रक्रिया में लेट होने के कारण से इनको इतना टाइम हो गया। जी, तो जो बीमे का प्रोसीजर है, जो इनके कहते हैं कि भाई कोई आकस्मिक घटना हमारे साथ घट जाए, इसके लिए सभी ये होता है कि सभी के जितने भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं ठेकेदार के अंदर, वो इनके नाम देता है और ESI कार्ड भी इनको इशू कराता है, जिसके थ्रू इनको किसी आकस्मिक दुर्घटना में इनका इलाज भी होता है। तो वो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की है कि वो इन्हें उपलब्ध कराए। आपका क्या नाम भाई साहब? देविंदर सैनी। अच्छा, किस पोस्ट पे आप बिजली घर धनोरी पे काम कर रहे हैं? लाइनमैन पद पे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर जी, ठेकेदार के अंडर आप काम कर रहे हैं? जी। आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे बिजली घर पे? समस्या तो हमारी एक तो सैलरी भी हमारे पास में जो है समय से नहीं मिल पा रही हमें जी। और कितना समय होगा सैलरी मिले हुए? सैलरी का तो कभी कभी 4 महीने बाद, कभी 5 महीने बाद सैलरी आती है। कभी 2 महीने की आ जाती है, 4-5 महीने होने के बाद जी, कभी 1 महीने की आती है। अच्छा, कोई बीमा वगैरह इस तरीके का विभाग द्वारा, विद्युत विभाग द्वारा आपका करा गया है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, अगर दुर्घटनाएं हो जाए आपके साथ में, भगवान ना करे, जी कोई दुर्घटना घट जाए और आप उसकी चपेट में आ जाए, तो आपके परिवार किस तरह से गुजर बसर कर पाएगा? अभी तक हमारी जो है दुर्घटना में जो है हमारे एक साथी था जी, उसकी हेल्प पूरी तरीके से जो है विभाग की तरफ से नहीं मिल पाई। अच्छा, मैं अगर पूर्व में जाना चाहूँ, आप कितने वर्ष से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं लगभग 12 साल हो गया। 12 साल। आपके सामने कितने जो कॉन्ट्रैक्टर लाइनमैन थे, कितने की मौत हो चुकी है आपके अंकों के सामने? बिजली घर पे हमारे अभी तक मौत तो नहीं हुई है, पलट करीब करीब लगभग, लेकिन दुर्घटना से घरे से सभी एक हो गए। अच्छा, कितने लोगों का अंग भंग हुआ, मतलब करंट के द्वारा कितने लोगों का अंग भंग हुआ? मुझे भी लगा हुआ है, एक हमारे साथी गुलशेर है उसको भी लगा हुआ है, एक सतीश है उसको भी करंट लगा हुआ है। तो विभाग से आपकी क्या मांग? विभाग से मांग हमारी सुरक्षा, बीमा हमारा और हमारी सैलरी
समय पे आ जाए।